subscribe at the 24 7 and press the bell icon मेरी लाइफ के सारे टी जैसे सी टैट एच टैट राजस्थान टैट उसके बाद सुपर टैट उसके बाद एटॉमिक एनर्जी में ऑल ओवर इंडिया 32 रैंक और ए पी में ऑल ओवर इंडिया 57 रैंक ये सारा मैंने कैसे अचीव किया छः से सात महीने की मेहनत में ये सब जानने के लिए देखिए डेयर टू ड्रीम विद अनिल नागर स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस सेशन में जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के आज के के मोस्ट एमसीक्यू मेरा कहने का मतलब है इस वीक के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू इस वीक में जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज रही है उन पर भी जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे उनका कंपाइलेशन रहेगा और उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक और इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है आज आपकी एडिटोरियल की क्लास नहीं रहेगी और करंट अफेयर की क्लास जो आज की है वो अपलोड कर दी गई है जैसे ये सेशन कंप्लीट हो तो वो करंट अफेयर की क्लास भी आप देख लीजिएगा वो रिकॉर्डेड नहीं रहा था लाइव सेशन रहा था बट वो, वो एप्लीकेशन पर रहा था सिर्फ आज के लिए मंडे से हमारी जो क्लासेज है रेगुलर यूट्यूब पर ही चलेंगी देखते हैं पहला सवाल ले क्या है इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर टेक्निकली मिशन को फुल रखिए एंड टूरिज्म प्रहलाद सिंह पटेल पार्टिसिपेटेड इन ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर मीटिंग किस शहर में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल ने ब्रिक्स संस्कृत, संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया तो आंसर बनता है यह बैठक रही थी कुर्तीबा में ब्राजील के कुर्तीबा में ठीक है ब्राजील की कैपिटल रियल है और ब्राजील कैपिटल ब्राजीलिया करेंसी यहाँ रियल चलती है अच्छा एक चीज से याद रखना जो ये प्रहलाद सिंह पटेल है प्रहलाद सिंह पटेल है ये कल्चर मिनिस्ट्री होल्ड कर रहे हैं टूरिज्म मिनिस्ट्री होल्ड कर रहे हैं और दमो मध्य प्रदेश इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है नेक्स्ट इन विच सिटी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन बिटवीन इंडिया जापान विल बी कंडक्टेड किस शहर में किस शहर में भारत और जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन दो का आयोजन किया जाएगा तो ये मेरे दोस्त से रहेगी कहाँ पर वैरंगटे में मिजोरम के वैरंगटे में ओके okay, मैं मिजोरम के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है सर जोरम थांगा है और यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी हैं जगदीश मुखी हैं Which day was as world world day. किस दिन को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया बेसिकली ये दिन है ये मई का सेकेंड सैटरडे और अक्टूबर का सेकंड सैटरडे ऑब्जर्व किया जाता है ठीक है और ये इस साल ऑब्जर्व किया गया है बारह अक्टूबर को इसकी थीम रही थी बी द सोल्यूशन बी द सोल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन बी द सोल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन इसकी थीम रही थी कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया गया आंसर बनता है ऑप्शन नंबर फोर तेरह अक्टूबर को हमने इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ऑब्जर्व किया था किस बैंक के साथ भारत सरकार ने राजस्थान में सड़क संपर्क में सुधार के लिए 190 मिलियन के रेड समझौते हस्ताक्षर किए विद विच बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 190 मिलियन लोन एग्रीमेंट फॉर इंप्रूविंग रोड कनेक्टिविटी इन राजस्थान तो एग्रीमेंट साइन किया था एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ओके okay, एडीबी का हेडक्वार्टर है यंग मेट्रो मनीला फिलीपींस कुल मिलाकर अड़सठ देश इसके सदस्य हैं और न्यू इसका लास्ट मेंबर बना है एनडीबी का हेडक्वार्टर संघाई में है ए आई बी का हेडक्वार्टर बीजिंग में है वर्ल्ड बैंक और आई एम एफ का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में वॉशिंगटन डीसी में ठीक है इसे इंपॉर्टेंट मार्क करेगा राजस्थान के चीफ मिनिस्टर का नाम है राजस्थान के चीफ मिनिस्टर का नाम है अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर है किस शहर में केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी एक राष्ट्र एक फास्टैग पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया मतलब किस शहर में इट वॉज इनोग्रेटेड इन न्यू डेली इसे नई दिल्ली में इनोग्रेट किया गया था नितिन गडकरी साहब का निर्वाचन क्षेत्र याद रखना है नागपुर महाराष्ट्र इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है किस शहर में संस्कृति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के दसवें संस्करण का उद्घाटन किया गया जबलपुर में जबलपुर में इसे इनोग्रेट किया गया था, था। भारतीय नौसेना बांग्लादेश नौसेना साझा गश्त का कौन सा संस्करण उत्तरी बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ विच एडिशन ऑफ इंडियन नेवी बांग्लादेश नेवी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल हेल्ड इन नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल

किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास का पहला संस्करण शुरू हुआ? बांग्लादेश आंध्र प्रदेश के में ठीक है इसे याद रखना कहां पर हुआ आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में प्रदेश के अभी नए गवर्नर बने हैं विश्वभूषण हरिचंदन विश्वभूषण हरिचंदन केरल के भी नए गवर्नर बने आरिफ मोहम्मद खान आरिफ मोहम्मद खान इनका नाम याद रखना। रूस के उलन उदे में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस श्रेणी में एमसी मेरी कॉम ने कांस्य पदक जीता है तो इन्होंने इक्यावन के जी कैटेगरी में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था इक्यावन के जी कैटेगरी में भारत के लिए इनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया नेक्स्ट

नाडा के दायरे में दायरे में आ गया नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के में और नाडा का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और एक होता है वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा का हेडक्वार्टर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कनाडा के मॉन्ट्रियल में है

अक्टूबर तक का जो एमसीक्यू रहा था वो क्लास लास्ट सैटरडे नहीं हो पाई थी ये वाली क्लास कल संडे को सुबह सात बजे होगी तो सात बजे के सेशन में कल आप जुड़िएगा जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे फिफ्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आंसर बनता है यहाँ पर उपरोक्त सभी अभिजीत बनर्जी एसर डोपलो और माइकल क्रैमर को नोबेल प्राइज दिया गया इकोनॉमिक्स में किसे उनके उपन्यास द टेस्टामेंट और गर्ल वुमेन अदर के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो देखिये यहां पर दो नाम आपको याद रखने हैं एक नाम तो याद रखना है मार्गरेट एटवुड का मार्गरेट एटवुड को द टेस्टामेंट के लिए और बर्नार्डिन बर्नार्डिन एवरिस्टो को गर्ल वुमेन अदर के लिए मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है ये इंपॉर्टेंट मार्क करना इसमें एक नाम और आता है एना बंस का तो एना बंस को ट्वेंटी एटीन में मिल्कमैन जो नोवेल रहा

रूरल वुमेन एंड गर्ल्स बिल्डिंग क्लाइमेट भूटान के बाद दक्षिण एशिया में दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है विच हैज बिकम सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन साउथ एशिया आफ्टर भूटान दोस्तों आंसर बनता है ऑप्शन नंबर वन बांग्लादेश बांग्लादेश यहां पर दूसरा देश बन गया है दूसरा देश साउथ मतलब भूटान के बाद सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था में सेकंड फास्टेस्ट बन गया यहां पर बांग्लादेश यहां पर अनुमान लगाया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा कि जो इसकी जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी इस फाइनेंशियल ईयर में वो सेवन पॉइंट टू परसेंट रहेगी

2022 फाइनेंशियल ईयर में 7.82 परसेंट हो जाएगी बट अपने को याद रखना है करेंट है 19 से 20 वाला फिर इसके आगे 20, 21 और फिर 21 बाईस वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मलपास डेविड मलपास और ये तेरहवें नंबर के प्रेसिडेंट और अमेरिका से आते हैं रटिएगा है कैसे नेक्स्ट भारतीय नन का नाम क्या है जिनको पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया है आंसर बनता है ऑप्शन नंबर वन यहाँ पर मारियम थ्रेस ऑप्शन में गीता गोपीनाथ है गीता मित्तल से सौंदराजन शुभ्रा सारस्वत तो ये आप ऑप्शन गूगल करिएगा और वही आंसर करिएगा ये किस किस फील्ड से रिलेटेड है नेक्स्ट विलेम अलेक्जेंडर के देश के राजा है आंसर बनता है यह है मेरे दोस्त नीदरलैंड के राजा है नीदरलैंड के नीदरलैंड के राजा जो है कौन 30 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले विश्व नेता बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी बिकम दी मोस्ट फॉलोड वर्ल्ड लीडर ऑन इंस्टाग्राम विद ओवर 30 मिलियन विद ओवर 30 मिलियन ऑफ आरबीआई ने क्लासिफिकेशन के लिए और फ्रॉड डिटेक्शन नॉर्म्स के रिगार्डिंग यहां पर उनको वायलेट करने के लिए दो बैंक्स पर पेनल्टी इंपोज की है एक बैंक का नाम है लक्ष्मी विलास बैंक और दूसरे का नाम है सिंडिकेट बैंक लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर एक करोड़ रुपए की और सिंडिकेट बैंक के ऊपर पचहत्तर लाख रुपए की पेनल्टी इंपोज की गई है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लिक्विफाइड नेचुरल गैस कंपनी टोटल ऐसे अडानी गैस में 37.4 परसेंट की हिस्सेदारी खरीदने के लिए सहमत हो गई है यह किस देश की एक कंपनी है तो दोस्तों आंसर बनता है यह है फ्रांस की एक कंपनी है फ्रांस की कैपिटल पेरिस है करेंसी यहां पर यूरो चलती है इंडिया के इसके साथ दो एक्सरसाइज होती थी शक्ति वरुण और गरुड़ गरुड़ एयरफोर्स की एक्सरसाइज रही जो फ्रांस में रही वरुण ये नेवी की एक्सरसाइज रही नाइनटीन और नाइनटीन दो एडिशन रहे जिबूती में रहा था नाइनटीन गोवा में रहा रहा कहाँ पर गोवा में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने रहस्यमय गतिशील क्षेत्र का पता लगाने के लिए एक उपग्रह आइकॉन लॉन्च किया है जहां हवा अंतरिक्ष से मिलती है आंसर बनता है नासा ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो जैक्सा जापान की है सीएनईएस ये फ्रांस की है और रोस्कोमोस ये रशिया की है किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय स्थापित करेगी विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट विल सेटअप यूनिवर्सिटी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रन्योरशिपिपिपिपि तो उस आंसर बनता है दिल्ली दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया है कि वो स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रन्य यूनिवर्सिटी को सेटअप करेंगे किस शहर में तीसरा भारत ऊर्जा फोरम आयोजित किया गया था इन विच सिटी थर्ड इंडिया एनर्जी फोरम वॉज हेल्ड इट वॉज हेल्ड इन न्यू डेहली इसी के साथ एक और चीज याद रखनी है थर्ड मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल थिंक टैंक ये कहां पर रही थी तो ये भी नई नई दिल्ली में आयोजित की गई थी अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक की तीसरी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी लक्ष्य सेन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए लक्ष्य सेन अभी इन्होंने क्या किया था कि डच ओपन रहा था डच ओपन का मैन सिंगल्स का टाइटल इनके नाम रहा था ये बेसिकली नीदरलैंड के अलमेरे में इसे आयोजित तो किया गया था और ये इनका बी का पहला टाइटल है पहला मेडन बी टाइटल रहा था तो ये क्या है सर ये एक शटलर है ये बैडमिंटन से संबंधित है नोवाक जोकोविच ने जापान ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीता है और ये किस कंट्री से हैं सर ये सर्बिया से हैं सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड है और करेंसी यहाँ पर दिनार चलती है दिनार यहाँ मुद्रा चलती है सिमोन बाइल्स ने चौबीसवा विश्व चैंपियनशिप पदक जीतकर सबसे अधिक विश्व पदक का रिकॉर्ड तोड़ दिया और वह किस कंट्री से हैं तो ये अमेरिका से हैं अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि सिमोन बाइल्स ने

इन्होंने सरस आजीविका मेला का नई दिल्ली में इनोग्रेशन किया था एंड शी इज अ फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी तो ये फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हैं इन विच सिटी इन सिटी फर्स्ट नेशनल हिंदी साइंस राइटर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड तो यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रही थी लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है किस नदी के किनारे गोमती नदी के किनारे बसा है किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डी के निदेशकों के इकतालीसवें सम्मेलन का उद्घाटन किया तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली में कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया था इसे भी भाई मेरे भाई इंपॉर्टेंट मार्क करना एक एक नंबर में ये सवाल पूछा जा सकता है I hope so guys, यहां तक सारी चीजें आपके बेहतर तरीके से क्लियर होंगे ठीक है सेशन पसंद आ रहा तो यार दोस्त मेरे इसे शेयर भी करते चलेगा आज के व्यूज देख के तो मेरे को लग रहा है कहीं हार्ट अटैक वार्ट ना आ जाए तीन तो सौ लाइव चल रहा है बहुत वक्त के बाद इतनी गिरावट देखने को मिली है मुझे लग रहा है ग्लोबल मंदी का असर मेरे भी सेशन पे पड़ने लगा है बट गाइज डोंट वरी कोई दिक्कत नहीं अभी बच्चों को पता नहीं हुआ कि आज का सात बजे का सेशन है अपना ठीक है दिल को दिलासा देने के लिए कह देते हैं आंसर बनता है यहाँ पर न्यू डेली डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में बना था न्यू डेली हेडक्वार्टर है चेयरमैन का नाम है जी सतीश रेड्डी जी सतीश रेड्डी चेयरमैन है

उथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान आसियन का हेडक्वार्टर कहां पर है कमेंट बॉक्स में आंसर करिए आसियन का हेडक्वार्टर कहां पर है सर रेहन दीजिए आप ही बता दीजिए जयकार था इंडोनेशिया है नाइनटीन सिक्सटी सेवन में ये बना था और इसके कुल मिलाकर दस देश इसके सदस्य है दस देश इसके सदस्य है जो की जिसमें इंडिया इसका पार्ट नहीं है इंडिया इसका पार्ट नहीं है

जिसका ओवरऑल थीम की बात करें वो रही थी वीडियो स्टैंडर्ड क्रिएट अ ग्लोबल स्टेज वीडियो स्टैंडर्ड क्रिएट अ ग्लोबल स्टेज इसको इनोग्रेट किया गया था रामविलास पासवान के द्वारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है सर इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है किस दिन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना पैतीसवा स्थापना दिवस मनाया है तो दोस्त आंसर बनता है पंद्रह अक्टूबर को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने अपना पैतीसवां स्थापना दिवस मनाया नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का फॉर्मेशन हुआ था नाइनटीन एटी फोर में इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है एस एस देसवाल इनके पास एडिशनल चार्ज है हेडक्वार्टर है। इसका न्यू डेली में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय लोकेटेड है कौन सी एयरलाइन दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है जिसने थ्री टू जीरो विमान में सवार यात्रियों के साथ टैक्सी बोर्ड का उपयोग किया तो आंसर बनता है ऑप्शन नंबर एयर इंडिया एयर इंडिया एयर इंडिया हैज बिकम है टैक्सी बोट ऑन ए थ्री टू जीरो एयरक्राफ्ट विद पैसेंजर ऑन बोर्ड टैक्सी बोर्ड को टैक्सिंग रोबोट भी कहा जाता है और इसका इस्तेमाल विमान को पार्किंग वे से रनवे तक खींचने के लिए किया जाता है वैसा वर्षा रनवे से पार्किंग वे तक खींचने के लिए इसको यूज किया जाता है

विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं आंसर बनता है ऑप्शन नंबर अक्टूबर वर्ल्ड स्टूडेंट डे हम फिफ्टीन अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट डे हम कब मनाते हैं अक्टूबर को भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के गठन के लिए किस राज्य सरकार को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिवन इट्स फाइनल अप्रूवल टू विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ बैंक आंसर बनता है ऑप्शन नंबर टू यहां पर केरल स्टेट गवर्नमेंट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया है कि वो केरल बैंक ओपन कर सकते हैं राजदूत के रूप में नाम है करेंसी यहां डॉलर चलती है किसको ग्रीस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया, तो किया गया है तो दोस्त आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर वन अमृत लुगून को अमृत लुगून को यहां पर भारत का नया राजदूत बनाया गया है ग्रीस में इसकी कैपिटल एथेंस है करेंसी यहां यूरो चलती है किसने रूस के उलन उदय में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है तो रजत पदक जीता था मंजू रानी ने बाकी के तीन नाम है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था कुल मिलाकर भारत को चार मेडल मिले जिसमें मंजू रानी ने इकलौता सिल्वर मेडल जीता था

और वॉशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर है क्रिस्टीना जॉर्जीवा इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है चीफ इकोनॉमिस्ट का नाम है गीता गोपीनाथ गीता गोपीनाथ और क्रिस्टीना जॉर्जीवा बुल्गारिया से हैं जिसकी कैपिटल सोफिया है करेंसी यहाँ लेव चलती है 2019 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है तो इंडिया का रैंक है 102 कुल मिलाकर किस दिन को अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है तो प्रत्येक वर्ष यह सत्रह अक्टूबर को मनाते हैं एक्टिंग टूगेदर टू इंपावर चिल्ड्रन एक्टिंग टूगेदर टू इम्पावर चिल्ड्रन देयर फैमिलीज

नेक्स्ट। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 2020 फरवरी तक पाकिस्तान को अपनी ग्रे सूची में रखने का फैसला किया है और का कहां पर है? Financial, financial action, तो मेंबर कंट्रीज 39 है, 39 मेंबर कंट्रीज है इसका पर्पस क्या है कॉम्बेट मनी लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और टेरर फाइनेंसिंग को रोकना ही इसका पर्पस है

ये बांग्लादेश के नहीं मेरे दोस्त ये भी इंडिया ने जीता कहां पर हुआ ऐसे छोड़िए ये तीनों इवेंट जीते किसने हैं तो ये इंडिया ने जीते थे इंडिया मतलब भैया अपने देश की बात करते हैं यहां पर मैं लिख के रहा हूँ न्यू डेली तीन याद रखने ऐसे एफ एफ अंडर फिफ्टीन वुमेन्स मेंस और ऐसे एफ एफ एटीन टाइटल रहा ये इंडिया के नाम रहा था कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय महिला टीम को सौ जीत दिलाने वाली पहली कप्तान बन गई हैं इनका नाम है मिताली राज मिताली राज मिताली राजी बिकम दी फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू लीड इंडियन वुमेन टीम टू हंड्रेड विक्ट्रीज इन इंटरनेशनल क्रिकेट न्यूनर मैसी ने छठा गोल्डन शू अवार्ड जीता है और वो किस कंट्री से दोस्त ये अर्जेंटीना से है इसकी कैपिटल व्यूनोजायर से करेंसी यहाँ पीसो चलती है पोलैंड की कैपिटल वॉरसो है करेंसी करोटी चलती है जुलौटी या मुद्रा चलती है यशस्वी जयसवाल इज रिलेटेड टू स्पोर्ट तो सर यह क्रिकेट से संबंधित है सत्रह वर्षीय मुंबई के सलामी बल्लेबाज हैं और ये यंगेस्ट बैट्समैन बने हैं जिन्होंने की डबल सेंचुरी लगाया क्रिकेट में वनडे इंटरनेशनल में ओडीआई में इन्होंने ओडीआई मतलब वनडे मतलब लिस्ट जो क्रिकेट रहा उसमें इन्होंने डबल सेंचुरी लगाया यंगेस्ट प्लेयर बने हैं जिन्होंने की डबल सेंचुरी लगाई है

किस जिले में भारतीय सेना द्वारा संगम युद्ध फेस्टिवल का आयोजन किया गया था तो दोस्तों जम्मू में किया गया था इंडियन आर्मी के चीफ का नाम क्या है सर विपिन रावत है नेवी चीफ का नाम है करमवीर सिंह है और एयरफोर्स के चीफ का नाम है राकेश भदौरिया राकेश कुमार सिंह भदौरिया दुबई में आयोजित बैठक में किसको आईसीसी के सदस्यों के रूप में फिर से शामिल किया गया तो आंसर बनता है जिम्बाब्वे और नेपाल को आईसीसी क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन का नाम है अनिल कुंबले आईसीसी के चेयरमैन का नाम है शीशांक मनोहर हेडक्वार्टर इसका दुबई में है दुबई में इसका हेडक्वार्टर है और एक और पॉइंट याद रखना है कि ओके पॉइंट और याद रखना इसके अलावा याद रख सकते हैं बीसीसीआई वाला वो हमेशा मैं बताता हूँ बीसीसीआई रिलेटेड बीसीसीआई नाडा के दायरे में आ गया है और इसके प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बीसीसीआई के सौरभ गांगुली बनने जा रहे हैं नाडा के हेडक्वार्टर न्यू डेली में है और एक होता है वाडा वाडा का हेडक्वार्टर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कनाडा के मॉन्ट्रियल में है नेक्स्ट किस बैंक ने एक एक नई फिक्स डिपॉजिट स्कीम एफडी हेल्थ लॉन्च की है तो दोस्तों आंसर बनता है इस बैंक का नाम है आईसीआईसीआई आईसीआईसीआई बैंक आईसीआईसी का हेडक्वार्टर मुंबई में है मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है इसके अलावा इसके चेयरमैन का नाम है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और इसके चेयरमैन है ये और इसके एमडी एंड सीईओ का नाम है एमडी एंड सीईओ का नाम है संदीप बख्शी संदीप बख्शी एमडी एंड सीईओ हैं किस को 2019 20 के लिए दियर 19 2019 2021 के लिए

ने एक ईस्टर्न ब्रिज फिफ्थ नामक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास में भाग लिया तो आंसर बनता है ये मसीरा में रहा कहां पर मसीरा में रहा था अच्छा ओमान के साथ भारत की एक एक्सरसाइज एक और है अल नागा अल नागा नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचना उन्नीस लॉन्च किया भारत में सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक

और एक का नाम है चमेली चंपा चमेली किस देश ने विश्व में प्रथम स्नातक स्तर अनुसंधान आधारित आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय की स्थापना की है मतलब किस देश ने कहा है कि वो एक जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी सेटअप करेगा तो दोस्तों आंसर बनता है यूएई इसकी कैपिटल अबू धाबी है और करेंसी दिरहम है करेंसी दिरहम है किस शहर में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सुरुई लिली महोत्सव का उद्घाटन किया तो यह इन्होंने मणिपुर के उखरूल में किया था इनकी जो कॉन्स्टिट्युएंसी है वो दमो मध्य प्रदेश है और मणिपुर के चीफ मिनिस्टर का नाम है एन वीरेन्द्र सिंह और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है नजमा ए हेप्तुल्ला नजमा ए हेप्तुल्ला पशु पालों ने डेयरी विभाग द्वारा जारी बीसवे पशुधन जनगणना के अनुसार भारत में पशुधन की आबादी कितने प्रतिशत बढ़कर लगभग बनता है, कुल मिला कर, इनकी बनती है और इनका नाम है गिरिराज सिंह गिरिराज सिंह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जनता से जुड़े रहने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया लॉन्च किया किस एप्लीकेशन को एके एप्लीकेशन को लॉन्च किया है रामनाथ कोविंद दो देशों की यात्रा पर एक फिलीपींस और जापान फिलीपींस फिलीपींस की की कैपिटल कैपिटल क्या है है तो सर की मनीला है और करेंसी यहां पर पीसो चलती है जम्मू कश्मीर की चिनानी चेनानी सुरंग का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर बदला जाएगा यह कितने किलोमीटर लंबी सुरंग है तो दोस्तों आंसर बनता है नाइन पॉइंट टू किलोमीटर दो तो हजार सत्रह में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको देश को समर्पित किया गया था लास्ट सवाल यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स में आयोजित हुआ है कितने देश यूरोपीय संघ के सदस्य हैं तो कुल मिलाकर अड़तीस एट मेंबर है और पूरे वीक के जितने एमसीक्यूज कवर किए गए आज जो है करंट अफेयर रहा उसके एमसीक्यूज को पीडीएफ में एड कर दिया जाएगा पीडीएफ आपको मिल जाएगी ग्यारह बारह बजे तक और कल के सेशन में सुबह सात बजे जो ना भूलिएगा उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे लास्ट वीक इससे पहले जो वीक रहा था वो वाले तब तक के लिए गुड एंड ऑल हम सब आपसे मिलने आ रहे हैं मुखर्जी नगर पहली बार ऑफलाइन हो या ऑनलाइन करेंगे आपसे बात करेंगे, करेंगे आपके डाउट सॉल्व तो मिले हमसे इस शनिवार सुबह दस बजे मुखर्जी नगर दिल्ली मेरी लाइफ के सारे टीटीज जैसे सी टेट एच राजस्थान टेट राज उसके बाद सुपर टैट उसके बाद एटॉमिक एनर्जी में ऑल ओवर इंडिया 32 रैंक और ए पी में ऑल ओवर इंडिया 57 रैंक ये सारा मैंने कैसे अचीव किया छः से सात महीने की मेहनत में ये सब जानने के लिए देखिए डेयर टू ड्रीम विद अनिल नागर